Good morning to everyone. So we are back, and now today I am going to tell you something more regarding formal invitation. आपको अगर याद हो तो पिछली क्लास में हम लोगों ने फॉर्मल इनविटेशन के सारे लेआउट पैटर्न पर्पस सब कुछ सीख लिया था. आई टोल्ड यू एवरीथिंग. आज उसी को थोड़ा सा और आगे सीखने की आवश्यकता है इन केस इफ वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, वी वांट टू डिक्लाइन इट. हमें नहीं जाना है, कोई कारण है उसकी वजह से हम नहीं जा सकते हैं, तो भी फॉर्मल इन्विटेशन अगर आ रहा है या कोई भी इन्विटेशन आ रहा है तो उसका रिप्लाई तो हम दे ही सकते हैं. तो फर्स्ट जो वीडियो किया था हम लोगों ने उसके अंदर एक्सेप्टेंस का किया था, जिसके अंदर कोई भी इन्विटेशन हो उसको फॉर्मल रिप्लाई देना और एक्सेप्ट करना. आज वाले जो क्लास है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेल यू रिगार्डिंग सेम रिप्लाई व्हाट वी गिव बट डिक्लाइनिंग, इसको कैसे मना करें. बिल्कुल ही सेम पैटर्न है, कोई भी अंतर नहीं है, इसलिए मैंने लिख के बिल्कुल भी नहीं रखा है, सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ है और मैं आपको लाइव करके बताऊंगा जिससे कि आपको और आइडिया आ जाए. सिर्फ दो लाइन जो नीचे वाली है वो चेंज होती है. सो वेरी इजी टू लर्न. लेट्स सी नाउ. सेम हेडिंग इज देयर, फॉर्मल रिप्लाई टू द इन्विटेशन. डिक्लाइन मीन्स मना कर रहे हैं. Imagine you are Mohan. This is the question which I have already written for you. CBSE, RBSE pattern में बिल्कुल ये आता है और इसलिए हमें सीख लेना चाहिए because it gives you 4 marks. तो कितना आसान अभी देखेंगे. You have been invited by Rita. मैंने अलग gender ले लिया है. पहले वाले में मैंने दोनों male gender लिए थे, इस बार एक male और एक female लिया, जिससे कि जो third person हम use करेंगे उसमें थोड़ी क्लैरिटी और आ जाएगी और आज आपको और ज़्यादा सीखने को मिलेगा. सो रीता ऑन हर बर्थडे पार्टी, इसका मतलब आप तो मोहन हो और आपकी कोई फ्रेंड है, क्लासमेट हो सकती है, कोई भी हो सकती है, उसने आपको बर्थडे पे इनवाइट किया है. कब की तारीख दी है? 30 जून की दे दी है. कहाँ दिया है? होटल किटको, वेरी फेमस होटल. राइट ए फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन. अगर आप देखो तो इसमें टाइम नहीं दिया है, ठीक है ना, प्रश्न में नहीं दिया, कार्ड में तो जरूर होगा, तो अपन टाइम भी डाल सकते हैं. अगर नहीं डाला है तो मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ आपके सामने ही, 8 होटल गिटको, यहाँ पे 8 लगा देता हूँ और वहाँ पे टाइम दे देता हूँ 8:07 PM. चलो ये भी दे दिया. अदरवाइज मैंने पहले वाले वीडियो में जैसा बताया था, इफ़ समथिंग इज मिसिंग इन योर क्वेश्चन देन यू हैव टू इन्वेंट इट. आपको इन्वेंट करना, कोई भी टाइम आपको रखना पड़ता, पर चलो मैंने वो भी लिख दिया. अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं. तो जैसा मैंने बताया था कि जो रिसीवर होता है वो सेंडर को भेजता है थैंक यू. तो आप मोहन हो, रिसीवर हो, और रीता सेंडर है, तो आप अपना नाम लिखोगे यहाँ पे, मिस्टर भी लगा सकते हैं अपने नाम से पहले, मिस्टर मोहन थैंक्स, चाहो तो मिस रीता लिख सकते हो, नहीं तो सीधा भी लिख सकते हो रीता, ये हो गया. इसीलिए इसको फॉर्मल बोलते हैं, सारे फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे अपन करते हैं. तो आप मोहन थे, आप धन्यवाद करो रीता को, क्यों कर रहे हो, फॉर इनवाइटिंग हिम. हिम किसके लिए आ गया? मोहन के लिए. मोहन कौन हो? आप हो, फिर भी मी नहीं लिख रहे हैं, वही बात है. सो फॉर इन्वाइटिंग हिम ऑन, क्या इवेंट है ये, यहाँ से मिल जाएगा आपको. तो मैंने इसलिए प्रश्न लिखा, यहाँ से काफ़ी कुछ आपको वैसे के वैसे ही पिक कर लेना है. ये लो, ये पूरी लाइन आप चाहो तो वैसे के वैसे ही लिख सकते हो. यू कैन राइट एज इट इज, बट लेट अस सी हाउ वी राइट. सो ऑन ईयर अगर चाहे तो स्किप कर सकते हैं, क्यों, सबको पता है 2020 चल रहा, फिर भी. सो ऑन 30 जून 8 होटल गिटको8:07 PM. ये लो, मैंने वही डिटेल लिख दी है वापस. सो मिस्टर मोहन थैंक्स मिसेज रीता फॉर इनवाइटिंग हिम ऑन 30 जून 8 होटल गिटको 8:07 PM. किस लिए बुला रहा है वो जोड़ देते हैं हम, ऑन हर
birthday party. या तो ऐसे ले ले सीधा ऑन हर बर्थडे पार्टी, या जैसा मैंने पहले बताया था कि वहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ये मतलब थोड़ा सा पैटर्न मैंने इजी करने की कोशिश की है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, मिस्टर मोहन थैंक्स मिस रीता फॉर इनवाइटिंग हिम ऑन हर बर्थडे पार्टी विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड जैसा ऑन 30 जून एट होटल गिटको एंड ऑल वेन्यू। उसकी बजाय मैंने ये पैटर्न इसलिए लिया है कि जो बच्चा वीक भी है, थोड़ा सा उसको अंग्रेजी लिखने में दिक्कत भी आती है, ज़्यादा कुछ करना नहीं, जो डिटेल्स दिए हैं उसको वैसे के वैसे लिख दो, समझ में आ जाना चाहिए। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। सो ऑन 30 जून क्या है, इनवाइट किया है, कहाँ किया, ये किया, कितने बजे किया, इसके लिए किया और किस लिए किया, ऑन हर बर्थडे पार्टी। और यहाँ फुल स्टॉप ले सकते हैं, यहाँ सब मैं कॉमा लगा दिया, हो गया आपका काम। अब आपके ऊपर है कि भाई आपको जाना है या नहीं जाना। तो जाने वाला तो हम लोगों ने जो एक्सेप्टेंस वाला वो कर लिया, वो यहीं से चेंज होता है। अब मुझे तो क्या करना है, डिक्लाइन करना है। तो हमें यहाँ पे डिक्लाइन करने के लिए यही लाइन है। अब आप मोहन हो तो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, ही। उसमें था ही हैज़ ए ग्रेट प्लेजर, जब एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पे सीधा हम ले लेंगे प्रेजेंट सिंपल में, ही रिग्रेट्स, उसे खेद है, ही रिग्रेट्स फॉर नॉट एबल टू अटेंड। एबल टू अटेंड मतलब वो योग्य नहीं है अटेंड कर पाने के लिए, और उसे खेद, इसका मतलब ये हो गया। सो ही रिग्रेट्स फॉर नॉट एबल टू अटेंड द पार्टी एज ही इज सिक, वह बीमार है। ही इज आउट ऑफ स्टेशन, वो बाहर है। कुछ भी लिखते हैं, मदर इज सिक एटसेट्रा एटसेट्रा, बट यू हैव टू गिव वन रीजन दैट वाई यू आर नॉट अटेंडिंग एंड वाई यू आर नॉट एबल टू अटेंड द पार्टी। यही आपको एक रीजन देना। तो मैंने एक रीजन ले लिया, एज ही सिक, वो बीमार है। चलो ये हो गया। अब आप नहीं जा पा रहे हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि गुड विशेस तो नहीं दे सकते, दे सकते हैं ना। सो वी विल राइट वन लाइन फॉर गुड विशेस। जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, हैप्पी बर्थडे लिख सकते हैं वो, लेकिन फिर भी ऐसे लिख दें तो बहुत ही अच्छा है। ही विशेज हिम, ही ये वाला ही आया है मोहन के लिए, तो विशेज हिम, सॉरी नहीं विशेज हर, क्योंकि रीता है यहाँ पर। सो वही बात होती है, थर्ड पर्सन में थोड़ी दिक्कत आती रहती है। सो ही रिग्रेट्स फॉर नॉट एबल टू अटेंड द पार्टी एज ही सिक, ही विशेज हर, हर किसके लिए ले लिया, रीता के लिए। यही ध्यान रखना, इसमें गलती कोई भी कर सकता है, जरा सा भी दिमाग इधर से उधर हुआ, बस थर्ड पर्सन कुछ गलत लिख के आ गए, या फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन में लिख दिया है। सो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट सेलेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, ये आप जरूर ध्यान रखना। सो ही विशेज हर आ गया रीता के लिए, ऑन हर बर्थडे। ओके, और आप गुड लक भी दे सकते हो, गुड लक फॉर द पार्टी। तो इस प्रकार से आपका ये तैयार हो गया। हैव यू सीन, इट्स सो इजी, बहुत ही आसान है। और उसके बाद में आपको वो बॉक्स बनाना ही है, जैसा कि हम लोग सीखते आ रहे हैं। ये आपका बॉक्स तैयार हो गया, नाउ एवरीथिंग इज रेडी, दिस इज व्हाट वी हैव टू राइट इन एग्जामिनेशन, दैट्स इट। लेकिन मैंने जैसे पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर थोड़ा सा और इम्प्रेस करना है एग्जामिनर को, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक छोटा सा लाइन और लेके एक छोटा सा सेमी बॉक्स और बना देते हैं, और इसके ऊपर क्या लिख देते हैं, फॉर्मल रिप्लाई। तो इससे क्या है कि एक थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा सा हो जाता है, और थोड़ा इम्प्रेशन आ जाता है एग्जामिनर के सामने। अदरवाइज एक्चुअल इज दिस ओनली जो हम लोगों ने किया है। सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड, एंड नाउ देर आर वेरियस काइंड ऑफ फॉर्मल रिप्लाईज विच यू हैव टू राइट, लाइक फॉर मैरिज आल्सो समवन मे इन्वाइट यू, रिंग सेरेमनी मीन्स एंगेजमेंट, गृह प्रवेश हाउस इनॉग्रेशन, फॉर एनी इवेंट इन्विटेशन कम्स, एंड दैट इन्विटेशन विच कम्स ऑफिस ओपनिंग, शॉप ओपनिंग एटसेट्रा एटसेट्रा,
उन सब के लिए अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें फॉर्मल रिप्लाई बनाना आना चाहिए. एज ए चीफ गेस्ट सपोज यू हैव बीन इन्वाइटेड बाई समवन, सपोज यू आर वर्किंग एज एन ऑफिसर एंड यू हैव ए गुड पोजिशन इन द सोसाइटी, सो पीपल मे कॉल यू, तो उस समय आपको फॉर्मल रिप्लाई देना आना चाहिए कि वेदर यू वॉन्ट टू अटेंड और नॉट. सो लाइकवाइज ये अभी से इसलिए सीखना है क्योंकि फ्यूचर में हमें काम आएगा और मोर ओवर एग्जामिनेशन के लिए तो है ही. सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डे एंड आई होप दैट यू ऑल आर वॉचिंग, यू आर मोटिवेटिंग अदर्स ऑल्सो. एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, दोज आर नॉट सब्सक्राइब्ड येट, आई हैव सीन मेनी पीपल हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड. So please keep watching, keep telling others, and thank you for watching. Have a nice day. Bye bye. See you again.